ओके सो हेलो गाइस एंड कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम टू माय चैनल एमवी गेमर्स। तो गाइस ये देखो मैं खेल रहा हूँ फ्री फायर का क्लैश कॉल रैंक जिसमें मैं डायमंड 2 पे हूँ। तो गाइस ये देखो मैं पिछली वीडियो डाल के मुझे एक दिन नहीं हुआ, मैं इतना रेगुलर नहीं हूँ पहले से बता रहा हूँ। मुझे आज टाइम मिला, मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने एडिट किया एंड मैंने ये किया क्या बोलते हैं अपना वॉइस ओवर, ठीक है गाइस। तो ये एक ही दिन में किया है सब कुछ एक ही दिन में, ठीक है। तो देखो गाइस मैं अभी सांस ले रहा था, हाँ चलता है यार, रीटेक तो नहीं दे सकते क्योंकि सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने सांस नहीं ली आप मर सकते हो और पता ही होगा सबको। और गाइस ये देखो ये चिमकांडी मुझे पीछे से मार रहा था और देखो मैं इस राउंड में ट्रिपल किल निकालता हूँ गाइस, ट्रिपल किल। अरे गाइस आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, करो ना यार, क्यों नहीं करते यार लाइक सब्सक्राइब, हाँ नहीं तो बहुत दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है यार, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो फटाक से लाइक ठोको और सब्सक्राइब का बटन पर चप्पल मार के उसे ग्रे कलर का कर देना, ठीक है गाइस। और मेरा गेम प्ले एंजॉय करो। और गाइस मैंने मतलब ये मतलब ऐसे ही ली थी M1014 ऐसे ही ली थी, मैं इतना चलाता नहीं हूँ तो ये मैं ऐसे ही लिया था। एंड देन क्या हुआ देखना आप इस राउंड में मैंने कितने किल निकाले आप सब देखना, ठीक है। और गाइस रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं ज़्यादातर तो अपना जो सुनने का भी बटन है वो भी म्यूट करता हूँ, नहीं तो फिर अगर कोई बंदा बिना हेडफोन्स के खेल रहा रहेगा और उसकी माइक से गेम का साउंड एको होगा, ठीक है, तो वो एकोइंग मेरे वीडियो में भी आएगी एंड देन वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। मैं जितना ज़्यादा ट्राई करता हूँ ना आप लोगों के लिए हाई क्वालिटी गेम प्लेस बेस्ट गेम प्लेस लाने के, और कुछ नहीं है मेरा, मैं सिर्फ हाई क्वालिटी बेस्ट गेम प्ले एंड सम एंटरटेनमेंट, ऐसा नहीं बोलता मेरा चैनल ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट है क्योंकि मुझे इतनी अच्छी कॉमेडी भी नहीं आती है, मैं ये बस इतना बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल है मतलब एंटरटेनमेंट के लिए ही बना है क्योंकि मेरा एंटरटेनमेंट में आपका एंटरटेनमेंट। और अगर मेरा गेम प्ले बाई चांस कभी वायरल हो गया देन फिर सपोर्ट मिलेगा दैट्स ऑल इन फ्यूचर। अभी हम लोग प्रेजेंट में बात करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कट्टा ले लेता हूँ क्योंकि M10 ना सिर्फ एक राउंड में चली है मेरे से और कट्टा मैं हमेशा चलाता हूँ, हमेशा मतलब हमेशा क्लैश कॉड रहने दो, रैंक मैच रहने दो, मिला चला लूँगा बेटा, ठीक है। और ये V7 मेरे से मांग रहा था बेटा मुझे कट्टा दे दे बेटा, मैं बोला ना भी मैं ना दूँ कट्टा, मैंने मेरे पैसे से खरीदी है कट्टा तुझे क्यों दूँ। गाइस यहाँ पे मैं देख रहा था कि स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था, ठीक है, एक स्पॉट हुआ एक और नीचे चल दिया, ठीक है जाने दिया मैंने, वही बंदा मुझे मारता है जब मैं उस पर रश करता हूँ यार, रश करने का मेरे में ढंग नहीं है ना, इतना पागलों की तरह रश कर देता हूँ, ढंग रहना चाहिए थोड़ा। और ये देखो मैं उस पर एक दो गोली कनेक्ट करने जा रहा था, ये नूब ने ग्लूगल लगा दी, ये देखो ये कूदा उसीलिए मैं कूदा, क्यों क्योंकि उसके सर पे लैंड कर जाऊँगा और सर पे लैंड करूँगा तो मेरे लिए एक और बात अच्छी हो जाएगी, क्यों क्योंकि देखो उसके सर पे लैंड करूँगा तो मुझे फॉल डैमेज नहीं मिलेगा। और इस बंदे ने मैक्स बंदे मार दिया कट्टे वाले को और फिर मैंने काट दिया क्योंकि स्पेक्टेटिंग नहीं दिखाना हमें, हमारा गेम प्ले दिखाना, तो मैं ऐसा वन टैप के लिए प्रैक्टिस किया और फिर तो गाइस ये वाली गन ले ली हमने MP40 ये एकदम ओपी गन है, मतलब मेरे को पहले नहीं लगती थी ओपी गन, अभी लगती है, क्यों क्योंकि मेरे पास उसकी इंजीनियर वाली स्किन है, आपको मैं वो बाद में दिखा देता हूँ, अभी तो फिलहाल ये गेम प्ले के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, आपको दिखाऊंगा उसके एट्रीब्यूट्स क्या है
एंड दैट्स ऑल। मैं एट्रीब्यूट्स बता भी सकता हूँ लेकिन आप लोग को देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और उसका डिज़ाइन भी मेरे को लाइक ठीक ठाक ही लगा, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं लेकिन डिज़ाइन से ठीक ठाक है। एंड ये थोड़ा बहुत अच्छा भी है स्किन। तो अगर आप बोलोगे कि मुझे टॉप गेमर MP40 और इंजीनियर MP40 में से एक चाहिए, मैं बोलूँगा आई विल प्रीफर विथ दिस अदर वन MP40 विच आई यूज़ इंजीनियर। आई वुड प्रीफर दिस MP40 विच आई यूज़ इंजीनियर MP40। वाई? बिकॉज देखो ये इससे ना एक्यूरेसी प्लस है, और टॉप गेमर के एट्रीब्यूट्स मुझे पता नहीं है, मतलब टॉप गेमर मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन मतलब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी आलोक वाले को बोलोगे कि मैं आलोक यूज़ करूँ या क्रोनो, तो अभी इसलिए बोलेगा आलोक, क्यों? क्योंकि उसने क्रोनो यूज़ नहीं किया, आलोक यूज़ किया। भले उसको पता हो कि क्रोनो कितना ओपी कैरेक्टर है, फिर भी बोलेगा कि देख भाई मेरे हिसाब से, हाँ गाइस वो ऐसे बोलेगा मेरे हिसाब से आलोक ही ओपी है यार, आलोक ओल्ड लेजेंड भाई, आलोक लवर एकदम पुराना प्लेयर। मैं बोलूँगा ठीक है तेरी मर्जी, लेकिन मैं जो डायमंड्स का यूटिलाइजेशन करूँगा अच्छे से ही करूँगा, अच्छे करेक्टर पे करूँगा। यस, क्योंकि यार आलोक इतना भी अच्छा राइटर नहीं है, बस अगर आप रैंक पुशर हो तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है कि आप कभी भी लास्ट जोन में हो आलोक लगा के जोन में जाके मार सकते हो आप दूसरे बंदे को, मतलब वो अगर समझो एक सर्कल बने लास्ट सर्कल, उसमें 50-50 की डैमेज पड़ती है, एंड अगर आपका 5-5 तो 45 की डैमेज पड़ेगी। आप 2-4 सेकेंड ज़्यादा जीनोगे, एंड 2-4 सेकेंड ज़्यादा जीनोगे इसका मतलब आप मार भी सकते हो। गाइस देख रहे हो, प्रो टिप्स बता रहा हूँ। एंड गाइस अगर आपको सोलो रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो मैं जल्द बना दूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले हीरोइक जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं कौन से टीयर पे हूँ, Diamond 1 पे हूँ अभी, और भी पुश करेंगे। एंड अल्ट्रा है कि हीरोइक जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ तो क्या अगले सीजन के लिए रंग पुश टिप्स देने को इजीली हो जाएगा मुझे, क्यों? क्योंकि देखो गाइस मुझे भी मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि मैं रैंक पुश किया फिर दूसरों को बता रहा हूँ कैसे रैंक पुश करने का, कैसे रूटीन जमाने का। चल मैं बता दूँगा, वो तो देखा जाएगा गाइस, जो देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल इस गेम प्ले में आते हैं। गाइस इस गेम प्ले में मैं क्या ही डबल वेक्टर चला है, इस डबल वेक्टर के लिए एक लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब कर देना, तीसरी बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने को तो कर देना। और गाइस यहाँ पे ये लास्ट राउंड में मैंने क्या ही धूम मचाई, एंड गाइस मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा इम्प्रूव हो रहा हूँ। अगर आपको भी लग रहा है मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ तो कमेंट में बताओ, और आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा इम्प्रूव हो गया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक तो कर ही दो यार इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो तुम्हारा भाई कैसे कैसे किल चुराता है यार, मतलब समझ रहे हो ना किल चोरी करता है इतना। और गाइस देखो मैं जानबूझ के लोहा लगा, क्योंकि रश करने के टाइम पे मेरे को ये आदत ही हो गई है, जब भी मैं मतलब रैंक पुश के बाद आदत ही हो गई है कि कवर से छूटना ही नहीं है मुझे, ऐसा ही हो गया हूँ मैं खिचड़ू सा। छोड़ो यार जाने दो, ये तो हो गई बात हमारे गेम प्ले की, मेन बात जो है वो है हमारा कैरेक्टर के ऊपर। तो यार मैं अगर आप कोई रैंक पुशर हो एंड आपको कुछ डायमंड मिल जाते कोई भी टूर्नामेंट से, तो मैं क्या बोलता हूँ आप लोग है ना क्रोनो लिया करना, ठीक है। एंड गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पूरी बात भी नहीं कर पाया, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।